खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ विश्व विजेता बनने से दो कदम दूर है टीम इंडिया। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल और इस वक्त हम मौजूद हैं इंग्लैंड के मैनचेस्टर क्रिकेट स्टेडियम के बाहर। पीछे आप देख सकते हैं माहौल बन गया है। आज सेमीफाइनल अगर जीता भारत तो जाएगा लॉर्ड्स, और लॉर्ड्स में दोहराई जाएगी 36 साल पुरानी वो कहानी जब कपिल देव ने पहली बार भारत को चूमा था, भारत के लिए जीता था विश्व कप। और आज हम ये खास पेशकश आपको मैनचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड में कपिल देव के साथ ही करा रहे हैं। कपिल जी, याद आ गया होगा वो वक्त जब इंग्लैंड के साथ मुकाबला था और आप दो कदम दूर थे विश्व विजेता बनने के। आज फिर वही घड़ी है, तो एक विश्व विजेता की नज़र से नए विश्व विजेता के लिए पहला रिमार्क्स क्या है आपका? यही है कि बस प्लानिंग सही होनी चाहिए और आराम से इत्मीनान से खेलो। जितना काम रखोगे उतना ही बेहतर हो सकता है। आज हम ये सोच सकते हैं या कह सकते हैं, एक्सपेक्टेशन हर एक इंसान के हिंदुस्तान में ये है कि इंडियन टीम बहुत बेहतर है, जीत सकती है, लेकिन उसके लिए बेहतर खेलना बहुत ज़रूरी है। माहौल सा बन गया है, टीम अच्छी है, अच्छा खेल रहे हैं, अभी तक कोई मैच नहीं हारे, तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है और यहाँ पर उम्मीद भी की जाती है और टीम भी बहुत बेहतर है। मुझे ये लगता है कपिल जी कि इस बार इंडिया की उम्मीदें इसलिए ज़्यादा हैं कि उनको लगता है, लोगों को, कि या जो क्रिकेट प्रेमी है या पूरे देश को लगने लगा है कि न्यूजीलैंड सॉफ्ट टारगेट है, और जो मैच साउथ अफ्रीका ने जीता है उसके कारण आज ये लग रहा है कि भारत के लिए इतनी मुश्किल नहीं है विश्व विजेता बनने की राह जितनी कि उस वक्त समझी जा रही थी जब इंग्लैंड से भिड़ना था। नहीं, आई थिंक यहाँ पर आकर आप रिलैक्स कर भी नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते कि ये थोड़ी ईजी टीम है, क्योंकि न्यूजीलैंड बेहतर टीम है। और वनडे मैच की सबसे बड़ी बात है कि आप एक अच्छी पारी पूरी टीम को बना सकती है। मुझे ये लगता है आराम से खेलें और लाइटली लेने की तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा हल्का लिया तो वापस फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी इंडिया की। तो इसलिए आपने जितनी भी पूरा मेहनत किया है ये 50 दिन की, वो अब फ्लाइट जो है वो लॉर्ड्स की तरफ लेके जाएं, इंडिया की बजाय बढ़ चढ़ कर आगे बढ़नी चाहिए। और क्यों नहीं, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन लॉर्ड्स तक नहीं सोचना चाहिए, अभी इसी मैदान तक सोचना चाहिए, ये जीतो और फिर आगे बात होगी। लेकिन अगर अभी से आप बात करेंगे कि लॉर्ड्स में खेलना है, फाइनल खेलना, वो सही उचित नहीं होगा। कपिल जी कह रहे हैं कि आज पिच बदली जाएगी जिस पर पहले मैच हुए हैं, भारत ने दो मुकाबले यहाँ खेले हैं, दोनों ही शानदार तरीके से जीते हैं, तो पिच बदलने के क्या मायने हैं भारत के लिए, पहले ये जानना चाहता हूँ मैं। दूसरी बात ये है कि अगर पिछला सारा रिकॉर्ड देख लें तो इस वर्ल्ड कप में चेज करने वाला थोड़ा सा सफर कर रहा है, तो अगर टॉस जीतते हैं तो विराट कोहली को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए? देखिए, माइंडसेट क्या है ये अभी नहीं मैं जानता, और पिच का ज़्यादा फर्क होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो ये छोटी छोटी नेगेटिव चीज़ आपके जहन में आनी नहीं चाहिए। डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन ये होना चाहिए कि हमें ये मैच कैसे जीतना है, टॉस जीतो या ना जीतो, मैच जीतना है। अगर वो प्लानिंग है तो फिर चिंता नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि टॉस जीतना बहुत ज़रूरी है। नहीं, टूर्नामेंट जीतना ज़रूरी है, और टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको टॉस से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी टीम इतनी बेहतर है। पाजी, एक बात बताओ, 1983 में और आज में उसी मैदान पे खड़े हैं जिस पे आप अंदर सेमीफाइनल जीत के आए थे, इंग्लैंड को हराया था, 6 विकेट से हराया था, मुझे याद है। तो आज के मैनचेस्टर में और माहौल में क्या बदलाव आया और उस वक्त कैसा था माहौल? आई थिंक अब डिजिटल का ज़माना है और सब एक दूसरे से कर सकते हैं। उस समय बहुत सारी प्लानिंग दिमाग में चलती थी, कंप्यूटर ये वाला चलता था। आज शायद कंप्यूटर आपके पास सारे नंबर्स आ जाते हैं और आप हर एक चीज़ आपके सामने आती है, बल्लेबाजी करने से पहले भी आप बता सकते हैं कि ये इस तरह का होना चाहिए। तो आज का थोड़ा सा डिजिटल लाइफ आ गई है, लेकिन मैदान में वही गेंद है, वही बल्ला है और वही मैदान है, वहाँ पर आपकी सोच बदलनी नहीं चाहिए। फिर एक बार यही कहूँगा
कि शायद छोटी छोटे टारगेट होने चाहिए, बड़ा प्लानिंग नहीं चाहिए, हर 10-10 ओवर का प्लानिंग होना चाहिए। आपका फेवरेट कौन है इस बार में इन भारतीय टीम में, आपको कौन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रहा है इस बार? देखिए ऐसे तो आप रोहित की, विराट की, बुमराह की, आप हर एक प्लेयर की बात कर सकते हैं, लेकिन के राहुल की ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि उन्होंने जो पोजीशन अपनी संभाली आकर एक बड़ा प्लेयर आपका इंजर्ड नंबर से ऊपर लेके आए, एक बड़ा परफॉर्म कर रहा है, बड़ा प्लेयर आपका इंजर्ड हो जाता है और उसके बाद उसकी जगह लेनी और टीम को स्ट्रेंथ देनी, तो मेरे लिए राहुल बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर है क्योंकि उनकी जगह कोई पक्की नहीं थी और बड़ा प्लेयर इंजर्ड होते ही उन्होंने वो पारी को संभाला आकर जो शायद टीम की स्ट्रेंथ बन गई है। पाजी मैंने यहाँ देखा कि सब लोग कई नए क्रिकेटर्स को नहीं जानते हैं लेकिन आपको एकदम पहचान लेते हैं सब लोग, आपके टाइम में भी इसी तरह से आपको घेर लेते थे बाहर आकर लोग, या तब इतना जोश जज्बा जुनून नहीं होता था? शायद मुझे मौका ही नहीं मिला करता था बाहर आने का क्योंकि हम तो टीम के साथ होते हैं और जब आप टीम के साथ होते हो तो आपको ये मौका नहीं मिलता इन फैंस के सबके साथ बात करने का, तो थोड़ा बहुत फर्क होता है, तो शायद मैं अनुमान नहीं लगा सकता कि टेस्टर में कुछ बदला है या वैसा वैसा ही है जैसा पहले? नहीं, ग्राउंड सारे बदल गए हैं, तमाम ग्राउंड थोड़े से अलग हो गए हैं, ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं, शायद स्पेक्टेटर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सोचा गया रिसेंटली, और आज के फैन तो शायद बहुत ही बढ़ चढ़कर आगे बढ़े हैं, उस समय ऐसे फैन नहीं होते थे, दीवानापन होता था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, इस कदर नहीं होता, इस कदर नहीं होता था, बहुत मज़ा आता है क्योंकि यही जो फैन है यही गेम को आगे लेके जाते हैं, खिलाड़ी खेलते हैं लेकिन फैन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एक बात और करना चाहूँगा, हमने मजबूती की बात की, टीम को मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए, ये सब बात की, लेकिन 2-3 खामियाँ इस वर्ल्ड कप में मैं देख रहा हूँ। अगर मेरे से ये पूछा जाए कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेल रहा है वो चैंपियन की तरह खेल रहा है, वो चैंपियंस की तरह खेल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ या तो रोहित को, राहुल को और विराट को सब कुछ करना पड़ता है या फिर लगता है कि बुमराह सब कुछ कर दे। जी, जो भी करे वर्ल्ड कप जीतिए, ये मैं मान सकता हूँ कि हाँ दूसरी इंग्लैंड की टीम बहुत बेहतर है, अच्छी टीम है, लेकिन आप टेल एंडर तक फाइट करते हैं, हर एक टीम का अपनी स्ट्रेंथ है, इंडिया अगर अभी तक कोई मैच नहीं हारी है तो वो भी एक स्ट्रेंथ है, ऐसा नहीं कह सकते, तो मैं नहीं कहूँगा कि जो यहाँ तक टीमें पहुँची हैं उनके पास कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा बाकी टीमों से, तो ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हो लेकिन आज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माइंडसेट क्या है और किस तरह क्रिकेट खेलनी है। आपको क्या लगता है कि पेसर्स पे ज़्यादा डिपेंड करेंगे आज या दो स्पिनर्स का कॉम्बिनेशन रखेंगे, क्योंकि अगर पिछले 10 मैचों की हम वर्ल्ड कप के मैच जो हुए हैं यहाँ तुलना करें तो 10 मैचों में 65 जो विकेट हैं वो लिए हैं पेसर्स ने, जबकि 25 विकेट मिले हैं स्पिनर्स को, और न्यूजीलैंड की टीम भी जो है वो पेसर्स पे डिपेंड करती है, बॉल्ट का और माना जा रहा है कि रोहित का सबसे पहले एनकाउंटर होगा, तो इसमें इंडिया की प्लानिंग आपके हिसाब से कैसी रहनी चाहिए? आई थिंक आप पीछे वाले मैच भूल जाइए और कोशिश कीजिए अब का क्या सिचुएशन है, आप ओपोनेंट को देख के क्रिकेट प्लानिंग करते हो, ये ओपोनेंट है, इनकी ये स्ट्रेंथ है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, उनके ऊपर थोड़ा गौर करना होगा और फिर उसके बाद जैसी सिचुएशन है उसको आप बेहतर कैसे अपने आप को काबू पाते हो। जी, आपने काबू कैसे पाया था जब 1983 था यहाँ पर और इंग्लैंड के साथ आपका मुकाबला हो रहा था, उस वक्त यही जब 2 घंटे मैच होने में रहते थे शुरू होने में, आपके दिमाग में क्या चल रहा था और आपकी चिंता क्या थी उस वक्त, क्योंकि विराट कोहली की स्थिति भी कुछ कुछ वैसी ही होगी? मुझे याद नहीं 36-37 साल पहले क्या हुआ था, लेकिन हाँ इनके बारे में यही कह सकता हूँ कि ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होनी चाहिए, काम रहने की कोशिश है, जो कहना बड़ा आसान है करना थोड़ा मुश्किल है, और आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर क्रिकेट खेलिए, आप ये ना देखिए कि क्या होना चाहिए, ये है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, क्या हम दूसरी टीम को अपनी तरह खिला सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान के साथ जो मैच हुआ था यहाँ पर उसकी बात करें या वेस्ट इंडीज़ की बात करें, अगर हम मेंटली देखें तो प्रेशर विराट कोहली ने कल कहा कि टीम पर है, लेकिन क्या पाकिस्तान के खिलाफ जितना मेंटली प्रेशर था वो लगता है आपको कि होगा इस बार या नहीं, उससे कम होगा?
देखिए जो स्पेक्टेटर्स हैं, मीडिया वो अलग तरह से सोचती है, प्लेयर तो यही चाहेंगे कि ये मैच जीतना चाहिए और फाइनल में जाना चाहिए। जो निकल गया उसके बारे में अब चर्चा ज़्यादा करने की नहीं। हाँ, पाकिस्तान के विरुद्ध खेलते हुए थोड़ा सा अलग प्रेशर है क्योंकि लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, लेकिन ये जो मैच है ये आपको एक ऐसे सीढ़ी पर ले जाता है जहाँ पर आप वर्ल्ड कप जीतने की और उम्मीद बढ़ जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि ये अब सिचुएशन है जहाँ पर आपको अपना संतुलन बना के रखना होगा और हर एक सेकंड, हर एक मिनट बहुत इम्पॉर्टेंट होगा टीम के लिए अगला पड़ाव पार करने के लिए। मिडिल ऑर्डर की बात हम एक बार फिर जाते हैं क्योंकि मिडिल ऑर्डर बड़ी अहम भूमिका निभाता है। कई बार ये होता है कि जब ओपनिंग कमज़ोर हो जाती है तो ओपनिंग के बाद लगता है कि दो विकेट गिर गए तो अब बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारी टीमें ऐसी हैं जो सेमीफाइनल में अब खेल रही हैं, वो संतुलित टीमें हैं, उनका मिडिल ऑर्डर बहुत काम कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ मिडिल ऑर्डर लगातार लड़खड़ा रहा है। आपको लगता है कि आज जैसे ऋषभ पंत हुआ, रविंद्र जडेजा हुआ, इनमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत है या शमी को अंदर लाने की ज़रूरत है या नहीं है? इससे कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का भी। आप अपनी टीम की स्ट्रेंथ देखिए, अगर अभी तक अगर कोई मैच नहीं आ रहे तो कुछ ना कुछ इंडियन टीम के पास बेहतर होगा बाकी टीमों से। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपना कॉन्फिडेंस दीजिए यंगस्टर को, पंत को दीजिए, आप पांडे को दीजिए, जो भी खेल रहा है उनको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। ये समय क्रिटिसाइज या किसी के ऊपर उंगली उठाने का समय नहीं है, ये समय नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि गलतियों से सीखकर आगे अपना फ्यूचर बेटर करें, हमें तो कप से मतलब है। हाँ, अभी तो ये है कि गलतियाँ एक साइड पे है कि इस तरह हमें क्रिकेट खेलनी है। कभी कभी प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपने जो प्लान नहीं किया होता वो भी सामने आ सकता है। उस समय का जो अंदर ग्राउंड में जो आपको निर्णय लेना वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इस समय टीम अच्छी बैलेंस है, जीती हुई है, और एक अच्छी क्रिकेट, एक और अच्छा दिन निकालने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि जो वेदर है वो बेहतर रहे क्योंकि पूरे 50 ओवर देखना चाहते हैं। थोड़े से बादल छाए हुए हैं, शायद स्विंग गेंदबाज को थोड़ा बहुत हेल्प होगा। आज से 15, 20, 25 साल पहले हम ऐसा नहीं कह सकते थे कि हमारे पास सीमर नहीं है, दूसरी टीम को फायदा है। आज इंडियन टीम के पास बहुत ही बढ़िया तेज़ गेंदबाज है, सीम गेंदबाज है, तो आज ज़्यादा फर्क नहीं पड़ सकता। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो इंडियन बैट्समैन कहीं बेहतर हैं बाकी टीमों से। जी, ऐसा कुछ हुआ था 1983 में कि जब आप यहाँ सेमीफाइनल खेल रहे हो, वो चीज़ आपको आज भी याद आती हो या भूली ना हो? हाँ, दो तीन, एक यशपाल की इनिंग थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी, 9 बनाए थे, और दूसरी महेंद्र अमरनाथ और कीर्ति आज़ाद का वो स्पेल था जो उन्होंने दोनों ने अपना कोटे जितना भी था 12-12 ओवर किए थे, और उसमें कोई शायद 60-70 रन देके 4 विकेट लिए थे, शायद वो टर्निंग पॉइंट था। लेकिन यशपाल ने इतना अच्छा बैटिंग किया वहाँ पर, उसको भी हम भूल नहीं सकते। आपको उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा किया था या उम्मीद थी? नहीं, पिच ऐसी थी, उम्मीद नहीं थी, इतना बेहतर चल रहा था, ऐसी उम्मीद नहीं थी जितना बेहतर गेंदबाजी की दोनों ने, क्योंकि हम सोच रहे थे 6-6 ओवर करके अपना कोटा ख़त्म करेंगे, लेकिन उन्होंने 12-12 ओवर किए। हम जैसे मेन जो गेंदबाज थे हम नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने हमसे कहीं बेहतर गेंदबाजी की। तो इसलिए जब आपका मैच का सिचुएशन आता है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स भी होता है कि ये कर लिया जाए तो टीम के लिए बेहतर होगा। आपको लगता है कि कोई आज चौंकाने वाला बदलाव करेगी टीम इंडिया, या ऐसे लग रहा है कि पिछली परफॉर्मेंस को देखते हुए इसकी ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत नहीं है, अच्छा खेल रहे हैं। हाँ, बस इंजरीज नहीं होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। कपिल जी, अगर 40 साल का हम वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड देखें, 75-79 के बाद मैनचेस्टर में हम कोई मैच नहीं हारे, क्या ये जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है ये भी मदद करता है? इसका कोई मतलब नहीं है और रखना भी नहीं चाहिए। आप अगला दिन आता है, अगला गेंदबाज है, अलग गेंदबाज है, तो इसलिए ज़्यादा आपको ट्रैक रिकॉर्ड के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हिस्ट्री में हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये अलग समय है, अलग पिच है, मौसम अलग है, तो इसलिए कह नहीं सकते कि ये ग्राउंड है। अच्छा, ये मौसम नहीं होता होगा तब जब आप खेलते थे, ये मौसम नहीं होता होगा। देखिए ये लोग है ना किस तरह से, आई थिंक दिस इज
दिस इज फैंटास्टिक, ऐसा कभी देखा नहीं था, सोचा भी नहीं था, शायद हम फुटबॉल में देखा करते थे, लेकिन अभी जुनून जो क्रिकेट का दुनिया में है या इंडियंस जो फैन हैं तमाम दुनिया से घूम कर आते हैं, हैड्स ऑफ टू देम। आई मस्ट से दैट ये जो क्राउड है इनका हमें धन्यवाद करना चाहिए कि गेम को और ऊपर लेके जा रहे हैं। कई बार ये लगता है कि 1983 में जब आप यहाँ खेलने आए होंगे ना, तो 40 साल बाद आज आप खड़े हैं और जिस तरह से ये लोग आपको याद कर रहे हैं उसके लिए, शायद उस वक्त किसी भी खिलाड़ी के मन में ये नहीं होता होगा कि यार 40 साल बाद मैं यहाँ खड़ा होऊंगा मुकाम हासिल करने के बाद और फिर एक बार सेमीफाइनल होगा तो लोग मुझे इस तरह से याद करेंगे। मुझे लगता है आधे इंडियन क्रिकेटर्स को ये लोग नहीं जानती है अगली पीढ़ी, और आपसे आगे जिस तरह से मिल रही है तो ये एक बहुत प्राउड का मोमेंट है, और ये आज हर इंडियन जो प्लेयर आज उतरने वाला है ग्राउंड में वो टीम भी चाहेगी। आई थिंक ज़्यादा ये है कि मीडिया ने काफ़ी पुराने मैचेस दिखाए हैं और जो मौका मिलता है उसको रीलिव का एक सोच रख दिया है सामने, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई प्लेयर सोचता ही नहीं कि 40 साल के बाद मैं यहाँ खड़ा होऊंगा। मैंने भी नहीं कभी सोचा था कि मैं ऐसे आऊंगा कभी 35 साल के बाद यहाँ खड़े होकर चर्चा करेंगे गेम की। आप उस समय उस जोन में होते हैं तो बाकी सब चीज़ें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर विराट कोहली की हम बात करें, अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, क्या ये इस बार आपको लग रहा है एक पुराने क्रिकेटर विश्व कप विजेता होने के नाते कि पहली बार कप्तानी और पहली बारी वर्ल्ड कप के एकदम करीब? बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं। आई थिंक वो उनकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग है उससे जो उनकी अपनी कप्तानी भी बढ़ चढ़ के आती है, और धन्यवाद ये भी कहना होगा महेंद्र सिंह धोनी को जो उनके साथ है, एक सीनियर एक मैच्योर कैप्टन जिन्होंने इतनी कप्तानी की हुई है, वर्ल्ड कप जिताया हुआ है, तो उनका साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। विराट कोहली बहुत बेहतर है, बहुत एग्रेसिव है, लेकिन उसके साथ अगर आपके साथ मैच्योर टीम भी बन जाए, एक्सपीरियंस लोग साथ में हो तो और भी बेहतर। कभी कभी कप्तान की चारों तरफ निगाह नहीं जाती और अगर आपका सीनियर प्लेयर आकर कुछ कह देता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। धोनी का थोड़ा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, स्लो बैटिंग कर रहे हैं, उस तरह से मैच फिनिश नहीं कर रहे हैं, कपिल देव क्या कहेंगे इसके लिए? हालांकि खिलाड़ी की जिंदगी में ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, अनुभव उनका माशाल्लाह इतना है कि किसी के पास नहीं है ऐसा टीम इंडिया में, दो दो कप जिताए हैं उन्होंने, फिर भी सवाल क्यों धोनी पर? क्योंकि ऐसा है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन से नीचे आते हैं, धोनी की नहीं, वो देखिए कि उसने 15 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और हर एक खिलाड़ी अपनी उम्र के साथ ही क्रिकेट खेलता है। हम अभी भी सोचते हैं कि ये वही धोनी है जो 20 साल का था, वो नहीं है। हमें मानना चाहिए, हम अपनी गलती नहीं मानते, हम अपनी सोच बाकी प्लेयरों के ऊपर थोप देते हैं, तो इसलिए कहेंगे कि शायद धोनी ने जो क्रिकेट के लिए किया इंडियन टीम के लिए शायद किसी ने भी ना किया हो, और ये आएगा ऐसा, अभी भी आई थिंक बैकबोन है पूरी टीम की। पाजी आखिरी शब्द 30 सेकंड में क्या कहना चाहेंगे जो टीम अभी थोड़ी देर बाद ग्राउंड में जाकर कमाल दिखाने वाली है, लॉर्ड्स की तरफ जाने वाली है? अपने आप को काम रखो और इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, अगले 8 घंटे आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो ये कहूँगा कि ये सोच वहाँ ग्राउंड में होनी चाहिए, ध्यान वहीं होना चाहिए, और एक एक छोटी चीज़ों के ऊपर अगर ध्यान दोगे तो जो बड़े पड़ाव है वो बड़े आसानी से निकल जाते हैं अगर छोटी चीज़ें सही करते रहो। छोटा छोड़ना होगा, बड़े की सोचनी होगी, और 2015 में जब सेमीफाइनल हो रहा था तो मैं सिडनी में इसी तरह ग्राउंड के बाहर मौजूद था, लेकिन वहां ऑस्ट्रेलिया से भारत को हार मिली थी, लेकिन इस बार वर्ल्ड कप लेकर जाना है इसलिए हम इस बार हार के साथ यहां से जाने वाले नहीं, हरा कर जाने वाले हैं। तो आप भी एबीपी न्यूज पर बने रहिए लगातार, जब तक हम विश्व विजेता नहीं बन जाते हैं तीसरी बार, तब तक एबीपी न्यूज आपको इसी तरह हर मैदान के बाहर से लाइव कवरेज दिखाता रहेगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।